दिव्य लोक से संदेश रविवार 13 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, मेरे प्रिय बच्चों के दिलों की जगह मेरे दिल में है। वे वहाँ सुकून महसूस करते हैं। वे प्रेम करने और उस प्रकाश की ओर उन्नति करने के लिए मुक्त हैं जिसे इंसानों की आंखें नहीं देख सकती हैं। उनके प्रेम गीतों को सुनना परम आनंद है, जिन्हें फरिश्ते भी सुनने से नहीं थकते। इस संसार की अंधकार रूपी बुराइयों से दूर एक स्वर्ग है, जहाँ दैवीय जीवन खुद को सहजता से अभिव्यक्त करता है। स्तुति के संगीत में सहगान के रूप में पृथ्वीवासियों से उत्पन्न होने वाला प्रेम सिर्फ हमारे दिलों को भाव विभोर कर सकता है। यहाँ सभी का मिला जुला प्रेम है, यह साझा प्रेम है और हमें भावुक कर देता है, क्योंकि यह हमारे आशीर्वादित बच्चों से आता है। हाँ, हमारे लिए भी प्रेम को पाना सुखद है। एक इंसान के दिल से क्या हम इससे बेहतर किसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? इंसानों की कई सारी शिकायतें और अनुरोध होते हैं, ये खासकर मुश्किल दौर में सामने आते हैं। मेरी बिटिया, तुम्हारे मालिक का दिल बहुत बड़ा है। यह उस खास प्रेम से पोषित होता है जो हम उन्हें देते हैं और जिसे वे आगे अभ्यासियों में बांटते हैं। तुम्हारी धीमी सी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिलकर एक मधुर गीत के रूप में हम तक पहुंचती है। इस विशेष तरह की संगीत संगोष्ठी के लिए तुम दोनों को पसंद करके चुना गया है। हम कभी कभार तुम्हें सुन रहे होते हैं और तुम पर कृपा और प्रेम बरसाते हैं, जैसा कोई समझदार बच्चों के लिए करता है, जिनका हमारे संयुक्त दिलों में एक विशेष स्थान है। बाबूजी, धन्यवाद।